राधे राधे संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हो आप सब? बने बने ना? मंचूरियन तो आप मन बनाती हो, एक बार मोर तरीका से भी बना के देखना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं एक रेसिपी शुरू कराऊँ, उखर से पहले जो मोर चैनल में नए हैं मोर चैनल में लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो मंचूरियन बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पत्ता गोभी ले लेंगे और अलग पतला पतला काट लें हम। तो आप चाकू से काट सकते हो या फिर चॉपर से काट सकते हो। तो मैं चाकू से काट लें हम, बढ़िया पतला कट चुके हैं, बारीक काट लें हम। और फिर बाद में हम डालेंगे बारीक कटे हुए शिमला मिर्ची। और बाद हम डालेंगे ना बारीक कटे हुए गाजर, बारीक कटे हुए प्याज, ये सब डाल दें। और बाद में नमक डालें हम, और नमक डालने के बाद एक बार अच्छा से मिला देंगे। कलर कितना बढ़िया लगा अपना। नमक सब तरफ मिल जाए इसीलिए अच्छा से मिला देना है। और बाद 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ना जो पानी है वो पिघल जाए। तिरौला निचोड़ निचोड़ के 10 मिनट बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही निचोड़ निचोड़ के अच्छा से दबा के आप निकाल लेना। वापस से बाउल में डाल दें निचोड़ के। उखर बाद में डालेंगे हम 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। उखर बाद जरा से नमक डालेंगे, कहे पहले भी नमक डाले रहे। अब एक बार अच्छा से मिला देंगे और सान देंगे। मैदा की मात्रा में इतना रखना है कि ये अच्छे से सना जाए, नहीं गुठा जाए। पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालें हम। अच्छा हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और जरा से ना काली मिर्च पाउडर भी डाला है, 1 छोटा चम्मच। अब अच्छे से सब रंग डालेंगे। मिलाई के बाद आप थोड़ा थोड़ा अभी बांध के देखना बन रहे थे कि नहीं। अगर नहीं बन रहे थे तो फिर से ना 2 चम्मच मैदा डालना, थोड़ा थोड़ा ही करके मिक्स करना है। कहे चॉपर में किसे से उपमा से जूस ज़्यादा निकल जाते तो अच्छे से बन जाते हैं। मैं ये कटिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा ना और ज़्यादा भी है ये, तो थोड़ा सा और लगे। अब ये बढ़िया बंधे लग गए तो हाथ में तेल लगाएं। उखर बड़े छोटे छोटे उखर गोल गोल लड्डू जैसे बांध लेंगे पोख्ता जैसे। ऐसे करके सारा भी तैयार कर लेना है। अब ये मंचूरियन बनके तैयार हो चुके हैं, नहीं इनकम्प्लीट है। अभी तलेंगे, तेल गरम करने के लिए रखते हैं। तेल गरम भी हो चुके हैं तो एक एक करके डाल देंगे।
जितना आपकी कढ़ाई में एक बार में आ जाए आप उतना ही डालो। खरबूजा मध्यम आंच में तल लेंगे ताकि अंदर से भी सिक जाए। बेचन हिमा कलर डाल देते हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा जलेबी रंग डाल सकते हैं। अब ये लगभग तल आ चुके हैं, पहले दूसरा प्लेट में निकाल लेंगे और ये सेकंड ट्रिक फिर से तल लेंगे। ये बनके तैयार हो चुकी है, यानी लोग चाइनीज पकौड़ा भी बोलते हैं, आप चाहो तो लोग चटनी के साथ सेजवान के साथ खा सकते हो। अब एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लें और घोल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालते हैं, बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं। फिर वाले साइड में रख देंगे। अब हम फिर से कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने देंगे, तेल जैसे गरम हो जाए तो अभी हम शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे। तेल पहले से ही बड़े टुकड़ा में काट के रखे रहें, एक बार अच्छा से मिक्स कर देंगे। जब 1 मिनट तक ये भून जाए उसके बाद में हम डालेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट। मैं ये रेडीमेड यूज करी हूँ, आप चाहो तो लहसुन और अदरक लो बारीक काट के भी डाल सकते हो। मैं हल्का तेल उजले लगते हैं, अच्छा से एक बार मिला देंगे। लगे 20-30 सेकेंड्स भून लेंगे, उसके बाद ये बना चुके हैं। फिर से एक बार मिक्स करेंगे। अभी हम डालेंगे कुछ सॉस, तो सबसे पहले डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, उसके बाद सोया सॉस, फिर केचप, अच्छा से मिला देंगे। मैं जरा से मैं सेजवान भी डालूंगा। जो हम कॉर्नफ्लोर के घोल बना के रखे रहे हैं उला डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा से 1 चम्मच मैदा भी घोल के डाल सकते हैं। उला भी एक बार अच्छे से मिला देंगे। दस से 20 सेकेंड तक भून लेंगे, उसके बाद हम पानी मिक्स करेंगे। तो ग्रेवी आपका कैसे रखना है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। कई जन सूखा ही पसंद करते हैं तो आप हल्का पानी डालो। मैं जरा से ग्रेवी ज़्यादा रखा था, पकन देते हैं अच्छे से। जरा से नमक डाले हो, आप नमक देख के डालो, काबर सॉस मन में भी नमक रही थी। अब जो हम पकौड़ा बना के रखे रहे हैं वो डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
2-3 मिनट अलग ग्रेवी में पकन देंगे। और बाद ये हमारा मंचूरियन बन के तैयार हो जाइए। तो आप सब भी बनाओ, खाओ और बताओ कैसे लगी से। और चैनल में जो नया है वो चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपन दया मया बनाए रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब ला फिर से एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय छत्तीसगढ़।